आज मैं लाई हूँ बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स कह लें, हैक्स कह लें, बहुत ही यूज़फुल हैं। छोटे छोटे ज़रूर हैं पर ये बहुत काम आते हैं, डेली में ना काम को आसान कर देते हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें और देखकर आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये बहुत यूज़फुल टिप्स बताए हैं आपने। अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहली ये जो टिप है ये सबके बहुत काम आने वाली है, करीब करीब रोज ही आ जाती है। तो ये है, अगर हम बना रहे हैं मूली के पराठे या घीये के पराठे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पानी बहुत होता है। इसको कद्दूकस करके हम निचोड़ते ही हैं, स्क्वीज़ करेंगे नहीं करेंगे तो पराठे तो बन नहीं सकते ना। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह स्क्वीज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम हाथ से स्क्वीज़ तो करते हैं तो हाथ से करने से पानी इसमें रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें पहले थोड़ा सा नमक डाल के रख देती हूँ, तो 5-7 मिनट के बाद इसमें नमक का पानी भी जो है वो हो जाता है। फिर अब इसको हमने निचोड़ना है, तो देखें अगर तो हम निचोड़ेंगे किसी कपड़े में, तो कई बार क्या होता है कपड़ा ही फट जाता है, कई बार हो गया ऐसा। तो मैंने ना ये एक नेट की मेरे पास बैग सा था, ये देखें इसको मैंने ना धो के रख लिया इसी काम के लिए। इसमें मैं डाल लेती हूँ मूली या घिया जो भी हो, इसको थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़े ही पराठे के लिए कर रही हूँ तो मैंने इसके ऊपर रख लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा पराठे का मटेरियल है ना मूली या घी का, तो आप इस बैग के अंदर डालकर भी अच्छी तरह से निचोड़ सकते हो, पूरा पानी निकल जाता है और ये बैग फटता भी नहीं है। और नेक्स्ट टाइम भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, धो के रख लें, नेक्स्ट टाइम भी ये काम आएगा। इस तरह से करेंगे ना तो आपके पराठे फटेंगे नहीं, पानी पूरा निकल गया होगा आराम से। अगली टिप है हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर वगैरह को लेकर, क्योंकि इनकी वायर जो होती है काफ़ी लंबी होती है। हम लोग क्या करते हैं, इनकी वायर को इसी में लपेट देते हैं और जब हम इसे संभालने लगते हैं तो वायर जो है खुल जाती है, फिर एक काफ़ी जगह घेरती है और मैसी सा हो जाता है। तो आप क्या करें, आप ना इनकी वायर को इस तरह से देखें, पहले इस तरह से पकड़ लें, ये देखें थोड़ा लंबा सा करके ना हाथ से अंगूठे से पकड़ लें, दबा लें और फिर जो है बाकी की वायर को लपेटें। ये देखिए इसके ऊपर ही लपेटते जाएं। एंड में जहाँ इसका प्लग आ गया ना, इसको आप जो हमने आगे स्पेस छोड़ी है ना इसके अंदर से निकाल दें, और निकाल कर हल्का सा बस टाइट करेंगे ना तो ये देखिए आप अब ये खुलेगा नहीं, अच्छी तरह से ये रैप हो गया है। इसी तरह से हेयर ड्रायर को भी मैंने कर लिया है। तो अब आप इसे संभालेंगे ना ड्रॉर वगैरह में कहीं भी, तो ये खुलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से ये सेट रहेंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। नेक्स्ट जो मेरी टिप है ना ये है चावल को बनाने की। चावल देखें अक्सर हम बनाते ही हैं, पर आज मैं इसे बना रही हूँ एयर फ्रायर में। तो मेरे पास एयर फ्रायर है तो सोचा क्यों ना आज इसमें चावल बनाया जाए। तो देखें चावल मैंने लिए हैं एक कटोरी, धोकर ले लिए, आधा घंटे पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसको बनाऊंगी स्टील के बॉक्स में, इसके अंदर ना स्टील का बॉक्स चल जाता है। तो आप लेना ऐसा बॉक्स जिसमें लिड हो, उसका ढक्कन हो। अब इसमें चावल डाल दिए हैं और साथ में डबल पानी डालना है, 2 कटोरी पानी, और इसमें आप अपनी पसंद से नमक डाल सकते हो, देसी घी जीरा डाल सकते हो, या प्लेन बनाने हो जैसे आपने बनाने हो वैसा कर लेना। और इसको बंद करके ना अब रख देना है एयर फ्रायर में। इसको बंद कर देंगे, अब इसको सेट करेंगे 180 डिग्री पर, 30 से 35 मिनट के करीब आपके लग जाएंगे। तो बीच में आप चेक कर लेना, अगर आपको लगे कि हल्की सी कसर है तो 5-7 मिनट और पका लेना। तो ये देखें चावल जो है बहुत ही अच्छे बन गए हैं, खिले खिले बने हैं। तो कभी होता है ना कि हमें गैस खाली नहीं है, तो एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट टिप है प्लास्टिक को लेकर। तो देखिए आजकल हम प्लास्टिक का यूज़ थोड़ा कम ही कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो फ्रिज में देखिए मेरे प्लास्टिक की बॉटल्स लगी हुई हैं, तो मैं इसको अब धीरे धीरे हटा रही हूँ। तो इसकी जगह क्या यूज़ करें, देखें ग्लास की बॉटल यूज़ करेंगे तो वो टूटने का डर रहता है। तो मैंने ना घर में ये रखी हुई थी, ये देखिए इस तरह की मिल्टन की बॉटल, इनको यूज़ करना अब शुरू कर दिया है। तो घर में रखी होती हैं, दो दो तीन तीन तो हमारे घर में होती हैं, नहीं हैं तो ले आएँ क्योंकि ये जल्दी ख़राब तो होती नहीं है। इनको फ्रिज में रखेंगे तो कहीं जाना होगा तो फटाफट हम यहाँ से निकाल कर ही ले जा सकते हैं, और साथ में डेली में भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बॉटल जो है नुकसान भी नहीं करती है और ये हमारे काम भी आ जाएंगी अगर घर में रखी हुई हैं एक्स्ट्रा। तो
लिए जो टिप है उन लोगों के काम आएगी जिनका कि मिक्सर ग्राइंडर वगैरह स्लैब पर रखा रहता है। जैसा कि मेरा ये मिक्सर है तो ये ना स्लैब पर ही रखा रहता है क्योंकि किचन जो है छोटी है। ऐसे में क्या होता है, हम इसको यूज़ करने के बाद साफ भी कर देते हैं लेकिन धूल मिट्टी वगैरह इसमें पड़ती रहती है और अगर कीड़े या कॉकरोच है तो वो भी इसके अंदर जाते हैं। तो इससे अच्छा ये रहता है कि हम इसे यूज़ करने के बाद ना इसको कवर कर दें, चाहे तो पॉलीथीन से करें या कोई पुराना पिल्लो कवर रखा हो ना उससे इसको ढक के भी रख सकते हैं जिससे गंदा नहीं होगा। इस तरह से तवे की बात करें तो तवा जो है ना रात को हम साफ करके तो रखते हैं, पर अगर घर में कॉकरोच वगैरह हैं तो लाइट बंद होते ही ना कॉकरोच इसके ऊपर चलेंगे। तो सुबह सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग सुबह सुबह जल्दी से लंच पैक करने लगते हैं तो उस समय अगर हम तवा नहीं धोएंगे तो हमें ये लगेगा कि हाय शायद रात में इसमें कीड़ा या छिपकली कोई चला ना हो। तो इससे अच्छा तो है कि हम क्यों ना इसको भी पैक करके ही रखते जिससे कि सुबह सुबह हमारा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है हैवी कपड़ों को लेकर। जैसे कि हम किसी फंक्शन में गए तो हैवी कपड़े पहनते ना तो कई बार क्या होता है उस पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, खाने पीने का गिर गया या कोई दाग सा लग गया, तो घर आकर हम लोग सबसे पहले तो उसी को साफ करते हैं। पर अगर हम ब्रश से साफ करते हैं ना तो ब्रश जो है उसकी एम्ब्रॉयडरी में अटकने लगता है, कई बार एम्ब्रॉयडरी ख़राब भी हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्रश को ना डायरेक्ट ना रगड़ो, आप इसको एक सॉक्स ले लो इसके अंदर डाल लो, फिर आप इसे साफ़ करोगे तो सूखा सा कोई दाग है या कुछ चीज़ लगी तो हट जाएगी। अगर कोई गीला दाग है तो आप उस सॉक्स को ना हल्का सा गीला करके भी उसको हटा सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है ये है टैप्स को लेकर। नल हमारे घर में किचन में भी बाथरूम में भी सभी जगह लगे होते हैं तो इनको हम टाइम टू टाइम साफ भी करते रहते हैं, पर होता क्या है कि ये जल्दी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं क्योंकि इन पर ना वाटर स्टेन ही बहुत दिखने लगते हैं, पानी के धब्बे ही ना एकदम से चमकते हैं। तो इसके लिए ना आप क्या करें, जैसे आप साफ़ करते हो ना टैप को वैसे साफ़ कर लें, धो लें, फिर इसको सुखा लें किसी भी कपड़े से या टिश्यू पेपर से इसको सुखा लें। अब आपने इसके ऊपर हल्का सा लगा दे ऑयल, तो मैंने लिया है कोकोनट ऑयल क्योंकि ये सबके घरों में ही होता है। उस ड्रॉप बस आप इसे टिश्यू पेपर पर या कपड़े पर लेकर इस तरह से टैप पर लगा दें। इस तरह से करने से ना ये जल्दी गंदे नहीं होंगे और एक तो इनमें शाइन बहुत आ जाएगी, चमकने लगेंगे। कई बार क्या होता है कोई आ रहा है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे टैप बिल्कुल नए लगते हैं, चमकते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, आपको इनमें से कौन सी टिप अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें स्वस्थ रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।